जो कुछ कायनात के अंदर है ना, ये सब तकलीफ अदम आप लफ्ज समझ लो। वजूद आलम वजूद के अलावा अदम है, उसमें हालांकि हुआ है जिस तरह खलक अल मौत वल हयात, हयात का खलक है मौत का पहले खलक, हालांकि मौत कोई शायद नहीं, हयात के खत्म होने का नाम है। हयात भी कभी थी, अल्लाह ताला हयात का खलक है, जब हयात खत्म हो जाती उसे मौत कहते हैं ना, मौत अलग नाम बताया, खलक अल मौत वल हयात। ये जिंदगी और आखिरत की जिंदगी, दुनिया अलग, दुनिया के अंदर जब खत्म हो जाए तो आखिर शुरू हो जाती है इंसान की आखिर जिंदगी अलग, इसलिए वजूद और अदम अलग है, अजल और अबद अलग अलग, अलग एक ही है, ये सारा अमर है। मतलब ये है कि उसके अमर कुन से पहले किसी शय का तसव्वुर भी नहीं करता, कोई था वक्त था नहीं था, कायनात थी नहीं थी। अब अजरे इस तरह मतलब में ला शरीक अल्लाह ताला अपनी जात में तन्हा मक्की तन्हा इतना कि बिल्कुल जगता। अब जो आया फिर ये क्या बात, फिर मुकम हल मतलब में सारे वाक्य आ गए, तो फिर हम ये कहते हैं अरे वजूद व अदम तेरी तखलीक है, यहाँ तेरी तखलीक है, यहाँ तेरी तखलीक है, अव्वल तूने तखलीक किया, आखिर तूने आप तखलीक किया, जाहिर भी तू बातन भी तू अव्वल भी तू आखिर भी तू, सारी तकलीफात भी है और आपकी खुद हल, इसलिए ये एक मकाम है। अब वो मकाम तुम्हारे मुशाहदे में आ जाता है, क्योंकि तुम्हारे मुशाहदे में तुम्हारा अपने आप आ जाए तो बड़ी बात है। मैंने कहा कायनात इतनी वसी है कि तुम्हें कभी समझ आ जाए तो पागल हो जाए, इसलिए गाफलत ही चाहिए है, बेहतर है कि इंसान अलग ही रहे। सूरज को समझ जाओगे तो खौफ से मर जाओगे, कायनात की वसूतों के अंदर दम तोड़ जाएंगे ख्याल आपका, बेहतर है कि दोस्तों के साथ मोहम्मद नाना में सफर करते जाओ, गुम होके आराम के साथ मुशाहदा हो गया तो बिल्कुल जेन बहुत हो जाएगा। तो मुशाहदा उतना सारा करो कि ये इंसान है, ये कौन है, ये नमाज है, ये मुसर है, ये मतलब दूध है, ये खाना है, ये पीना, वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम क्या है, वजूद व अदम किधर है, अदम के बाद क्या है, अजल से पहले क्या था, था कुछ तो खुदा था, खुदा न था तो क्या था, ऐसे कैसे हो सकता है, जान सोचना, क्योंकि मखलूक पर खालक तक की रसाई पूरी तरह इम्कान नहीं, पर यह आपका मजबूरी है। जरा जरा जू जू कुछ आदा होता है ना तुम्हें, फिर महसूस होता है कि मैं जहां अजनबी में हूं, तो वैसे भी इशाद हो जाता है कुछ अर्से के बाद, जिंदगी में आप चलते हो ना, पहले आपके दोस्त होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, दोस्त होते हैं, माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मम्मी चाचा होते हैं, सारे होते हैं, फिर कुछ अर्से के बाद आपके दोस्त कुछ कपियाँ, और फिर आप कुछ अर्से के बाद देखते हो तो आज तो ना बैठे हो, यही काफिले में अपनों के काफिले में चलते चलते कुछ अर्से के बाद हम भी गांव में गिर गए, आप नहीं कितने चलेगा, ये कितने चलते घर चलेगा, एक घर के अंदर अपनों की फिजा जो है सारे अपने होते थे कल पर तक, चलते चलते यखलक सारे के सारे और मान बदल गया, सारे बदले बदल गए, घर वही रहा और आदमी बदल गए, और आपको याद ही नहीं पड़ता कि क्या हो गया था, इसी घर में जिस घर में आप रहते हो आपके लाश और लोग भी थे, और अब और लोग जो है ना वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है और तुम्हें पता नहीं चलता, अब जो मेरे औलादों में खो गए और ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि आगे तुम मैं भी मर चुके हो, जितने तुमने जनाजे उठाए इतनी तुम मौत चुकी तुम्हारी, इतने रिश्ते जो तुम्हारे अंदर थे ना रिश्तों के पुर्जे उतने मर चुके, अंदर बने एक बाप की जगह थी, एक चाचा की जगह थी, इस्लाम की जगह थी, जिन अंदर बनाए हुए शहर बाबा नामे के मुखारे मरते मरते मरते, अब आपके साथ दूर दराज को वापस तो दोस्त को मिलने जाओगे, ओ एक बंदा दोस्त है पुराना वहां रहता है उसको मिलने आप जाते हो, ये आप अपनी जिंदगी से मिलने जाते हो, किसी मिलते हो आप जवाब से मिलते हो, क्या मेरी दवाई क्या है, सिर्फ एक आदमी दे सकता है जो मुझे जानता है, वो आदमी क्या मेरे अपने का सबूत वही है,
जानवर होने के सबूत माँ बाप थे वो नहीं है, या वो बुजुर्ग थे वो नहीं है, या रिश्तेदार थे या दोस्त थे कोई भी नहीं रह गया, एक बंदा रह गया मेरे सबूत जो मुझे नाम से बताता है हाँ भाई मिस्टर जाके क्या हाल है, ये मेरे होने का सबूत रह गया, बाकी सारे मेरे अजनबी हैं उनको बताना पड़ता है आप कौन हो, कहता मैं इस शहर में मुझे पूछ रहे हो मेरे महल्ले में मुझे पूछ रहे हो, मेरे महल्ले में मुझे क्या पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, ठीक है ना, मेरे आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, अब आपको नाम बताना पड़ जाएगा, आप यहाँ कब से रह रहे हो, कहते बेटा तुझे क्या पता तेरी फिराज से पहले मैं ही था यहाँ, और ये जब आपको अपना नाम बताना पड़ जाए तो मैं समझो कि ये बड़ी अजीबो गरीब आ गया, और अगर कोई अच्छा पुराना आपका वाकफ आपकी शक्ल इतनी बदल जाएगी वो आपसे पूछे कि यहाँ सही साहब रहते थे, अब किस रूप से बताओगे कि मैं वही हूँ, तो आपकी शक्ल तो बिल्कुल बदल गई, इतनी मदद के बाद आपको देखा है कहते तकलीफ खराब रहती है जरा, अब मेरे जो वाकफ है वो शायद तक वाकफ हो जाते, इसी की जिंदगी है इसके अंदर सारा कुछ होता जा रहा है, तो आप अदम की परवाह ना करो, अच्छा अदम आप ये कह रहे हो वो उसने कहा कि मैं शहर ही बशर रही मुझे अल्लाह ताला का शहर का भी आप ही खालक हूँ और शहर का भी आप खालक किसान का भी खालक आप हो, कमाल की बात ये है किसान आपने कहा तकलीफ पर मारी आपने अल्लाह ताला आपने क्या किया कि रोने से आया ये रोने चल जाए, आप इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, अल्लाह का शैतान मर जाए ये आप नहीं कह सकते, अल्लाह का शैतान मर जाए दो बातें नहीं कहनी, अल्लाह का शैतान मर जाए ये भी नहीं करना कि खुदा का शैतान को ईमान नसीब हो आपका अपना ईमान जाएगा, आप अच्छे मेरे ना ये अल्लाह शैतान को माफ ही कर दे तेरा क्या जाता है तू तेरा रहीम है करीम है ना, जिसकी सिफारिश नबियों ने नहीं की है तुम कैसे कर सकते, ये राज है क्या अल्लाह सारी शर नेकी में बदल जाए नहीं हो सकता, आप अच्छे मेरे आप अपने तौर पर क्या आपके साथ हो रहा है हालात वजूद भी खालक है और अदम का भी खालक होने का भी ना होने का भी, हाँ जी आप बोलो आप